तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो यार थोड़ा सा वीडियो डिले है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है, वो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, अभी मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, उसके चक्कर में मैंने कपड़े धोए हैं। ठीक है, कम से कम एक महीने के बाद मैंने कपड़े धोए हैं। तो ये जो सोसाइटी की टी शर्ट थी GC की, जो मैंने सोसाइटी ज्वाइन की है, वो पहननी पड़ रही है, और सब कपड़े मैंने आज धो के रख दिए। आज इतने दिनों बाद मैंने बालों में भी तेल डाला है, तो बहुत इश्यूज आ रहे थे, तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द स्टूडेंट जिनका आप सिलेक्शन हुआ है DU में, और जिनका नहीं हुआ जो वेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड का वेट करो, आपका हो जाएगा, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली मैं सिंपल टिप्स दूंगा, ओरोबिंदो से रिलेटेड और जनरल टिप्स भी हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन ओरोबिंदो में हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ऑनेस्टली बताऊँगा, थोड़े बहुत डिसअपॉइंट हो गए, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए कैंपस को लेके, तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। एक साल बाद, मतलब कुछ महीनों बाद आपको आदत पड़ जाएगी, कैंपस इतना बुरा नहीं है, स्टूडेंट अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपको स्टूडेंट्स का मिलेगा और सराउंडिंग का भी एनवायरनमेंट अच्छा है, खाने पीने की सारी दुकानें आपको वहीं आसपास मिल जाएंगी। एंड टीचर हैं जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं, वो हर कोर्स के अच्छे हैं, नो डाउट, और अटेंडेंस का सीन नहीं होता, ये सबसे अच्छी चीज़ है ओरोबिंदो में। मैं पिछले सेमेस्टर नहीं गया, फिर भी मुझे 5वें से 3 नंबर मिल गए। यार और क्या लोगे तुम, 5वें से 5 तो नहीं मिलने वाले, आप अगर डेली जा भी रहे हो, और इस सेमेस्टर में भी मेरे को मिल गए, 7.9 CGPA बन गई थी उस सेमेस्टर में, तो और क्या चाहिए। तो इस सेमेस्टर में देखते हैं क्या होता है। तो ये कुछ टिप्स नहीं कहूँगा मैं, नॉर्मली जनरल टिप्स दे रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो आप डेली आ जाइए पेमेंट करने से पहले, और पेमेंट अगर आपने कर दिए फिर भी आप डेली आ जाइए PG वगैरह के फाइंड आउट में। PG ढूंढना बहुत चैलेंजिंग टास्क है यहाँ पे, हो सके तो कॉलेज के पास ही लेना, कॉलेज के पास लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको दूर नहीं पड़ेगा और मेट्रो से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो गेट नंबर 2 है, मेरे को आइडिया नहीं है, 2 ही है, मैं डेली जाता हूँ फिर भी मेरे को गेट नंबर याद नहीं है। तो गेट नंबर 2 है, आप उससे एग्जिट लेके, और टेम्पो ऑटो वगैरह नहीं लेना है, ठीक है, थोड़ा दूर है, 100 मीटर होगा, वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। टेम्पो ऑटो वगैरह लोगे 50-60 रुपये ले लेगा, वो आपके फालतू में और आपके चूते कटे जाएगा। ठीक है, मैं सीनियर हूँ, सेकेंड ईयर में अब आ ही गया, आई होप सो बैक ना लगे इस बार, बैक लगेगी फिर भी आ ही गया। तो मैं आपका सीनियर हूँ, आप मेरे से मिल सकते हो कॉलेज में आके, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा कैंपस में कभी भी नीड पड़ेगी तो। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ हो, कभी भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और या टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, या फिर आप ईमेल डाल सकते हो मुझे, किसी से भी रिलेटेड कमेंट में जाके कर दो, मैं अभी एक्टिव हूँ, अभी मेरा ख़त्म हो गया एग्ज़ाम, अब मैं एक्टिव रहूँगा यूट्यूब चैनल पर, अभी तक नहीं हुआ था उसके लिए लिटरली सॉरी। और ये स्टूडेंट थी, इसका ये इशू आ रहा था, जैसे कि इसने OBC का जो सर्टिफिकेट था ना, कास्ट सर्टिफिकेट, वो इसने पुराना अपलोड किया था, ठीक है, तो पुराना अपलोड किया था, तो वहाँ से क्वायरी आई कि आपको सेंटर वाला अपलोड करना है, और तो इसने रिस्पांस दिया था उस टाइम, तो इसने रिस्पांस दे दिया कि मैं अपलोड कर दूँगी। तो आज इसके पास ये नोटिफिकेशन आई है आज के दिन अभी, कि आपके पास 5 तारीख तक का टाइम है, 2 बजे तक, और आप अपलोड कर सकते हो, और यहाँ से अपलोड करना है, जब भी उसका अभी बन जाएगा, अभी उसका बना नहीं है, अप्लाई किया है उसके बनाने के लिए। अगर आपको ऐसी कोई भी, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो जैसे ही इसका ये क्लियर होगा फिर इसके पास रिमार्क का आ जाएगा, अभी फ़ीस वगैरह का कुछ आया नहीं है, सबमिट का पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर पेंडिंग का भी कोई इशू आ रहा है तो वो भी बता देना। तो मैंने इसके लिए है ना इससे ईमेल भेजा था, जैसे कि ये इनका रिप्लाई आया है संदीप यादव से, जो फैकल्टी है वहाँ की, तो मैंने जो ईमेल भेजा था वो ये वाला ईमेल था, इसकी ऑफिशियल उससे, तो यहाँ पे ये ईमेल मैंने भेजा था, जिसमें फॉर्म नंबर वगैरह सब चीज़ थी, तो ये सारे ईमेल डाल के मैंने भेज दिया था। मैं ये आपको ही फॉर्मेट सेंड कर दूँगा, और कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आ रहा है तो इशू, तो उनकी साइड से संदीप यादव करके है, जो DU के, देखो यहाँ पे ये आ रहा है, यू विल अपलोड योर सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट ऑन रिप्लाई और क्वायरी राइजेस, तो इन्हें ये बोला है कि आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, दोबारा से व्यू करके यहाँ पे। तो ये एक इशू है, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो ये मेरे को बता देना। चलो
एंड अगर आपका सिलेक्शन अप्लाई साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हुआ है तो मैं उसी डिपार्टमेंट से हूँ, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि फैकल्टी कैसी है और क्या क्या चीज़ आपको फेस करनी पड़ी फर्स्ट ईयर में और किस किस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो उसके अगर कमेंट कर दो जल्दी से जल्दी तो आज ही बना दूंगा, वैसे तो वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा, मेरे को करनी है बहुत टाइम से। अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पर कोई भी इशू हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो टीचर्स वगैरह से, सारे टीचर्स अच्छे हैं, जनरल टिप है। एंड स्पेसिफिक वीडियो अगर चाहिए अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पर तो बता देना, वो भी हो जाएगा। तो यार अगर आप कॉलेज आ रहे हो ना तो कुछ चीज़ें तैयार करके आना। पहली चीज़ सिटी में आ रहे हो ना तो सबसे चीज़ कुछ चीज़ें पहले कर लेना, पहले पीजी, और अगर आपकी जान पहचान का कोई दिल्ली में रहता है तो उनसे अच्छी जान पहचान कर लो, अच्छी रिश्तेदारी बना लो, वो अभी एक काम आएंगे स्टार्टिंग में तो आएंगे, तो वहाँ पे आओ कुछ दिन रुको जो भी रिलेटिव है या जो भी आपका दिल्ली में रहता है उनके यहाँ, एंड प्लस आप खोज में निकल जाओ पीजी के। ठीक है, पीजी का आपको मैक्स रेंट जाएगा ना, मैक्स तो बहुत जाएगा, मिनिमम रेंट है 10,000। ठीक है, पीजी हॉस्टल फ्लैट जो भी है, मेरे सजेशन से फ्लैट लो, ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, आपको बहुत फ्रीडम मिलती है फ्लैट में। खाना आप टिफ़िन लगा सकते हो, खुद बना सकते हो, खुद बनाना ज़्यादा आसान लगता है मुझे, मैं तो वही करता हूँ। एंड प्लस ये पहला काम है कि आप ढूंढो फ्लैट। दूसरा काम, अभी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन नहीं हो रहा फिज़िकली, तो अभी इतना सीरियस नहीं होना, मेरे को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। आपके पास मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, जो भी है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए, अभी फिज़िकल ये हो रहा है। ठीक है, अभी ये पूरी प्रोसेस चल रही है, फीस वगैरह अपलोड करोगे, और जब भी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा फिज़िकली तो आपके पास एक मेल पहुंच जाएगा उससे रिलेटेड। एंड 16 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है सेशन, एंड ध्यान से आ जाना 16 तारीख से पहले ही, और पहले सेटल हो जाओ यहाँ दिल्ली में आके, बहुत परेशान हो जाओगे अगर नहीं हो पाओगे तो। एंड प्लस, और ये जनरल टिप थी, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं, जो हो सके तो अपने कॉलेज के पास पीजी लेना, हमेशा ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, आपका ट्रैवल का बहुत पैसा बच जाएगा मेट्रो का। ठीक है, एंड ओरोबिंदो से रिलेटेड यही है कि आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कैंपस को लेकर होगे, जो मैं भी हुआ था फर्स्ट ईयर में, और सीनियर्स ने भी ये चीज़ बताई थी, तो मैं भी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं कैंपस टूर की, जब मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज में, वो भी देख लेना कैसा हुआ। एंड और कोई इशू नहीं है, बिंदास कॉलेज है, बिंदास आओ, बिंदास पढ़ो, एंजॉय करो लाइफ को, एक लाइफ है कॉलेज लाइफ, एक बार आती है, एंजॉय करो, मस्त करो, कोई इशू नहीं है, आराम से खाओ पियो ऐश करो। मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल वीडियो नहीं बना रहा, मैं आपको कोई टिप्स या ट्रिक्स दे नहीं रहा, मैं कौन होता हूँ, मैं स्टूडेंट ही हूँ, तो जनरल टिप्स हैं, आओ ऐश करो, जो भी इशूज़ हैं पूछो, मैं क्वेरी से सारी चीज़ें सॉल्व करूँगा, और मुझे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगेगा तो मैं एक वीडियो भी बना दूँगा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, तो हाँ, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिल्ली यूनिवर्सिटी जर्नी। एंड और जिनका नहीं हुआ वो वेट करो, अभी सेकेंड और थर्ड राउंड आने दो। ठीक है, सबर सबर सबर, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, जो भी है सबर करो, हो जाएगा सिलेक्शन, और अपग्रेड भी हो जाएगा, जिनको अच्छा मन पसंद का नहीं मिला वो अपग्रेड कर देना, अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई लोड लेने वाली बात है नहीं होगा तो भी, सारे कॉलेज अच्छे हैं डीयू के, सब बेस्ट हैं, कुछ टाइम परेशानी होती है, सब अपने कैंपस से खुश हो जाते हैं एक टाइम पर आके, फ्रेंड्स बन जाएंगे आपको, बहुत अच्छा लगने लगेगा, कम्फर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू है नहीं, और मैंने बहुत दिनों बाद तेल डाला है बालों में, तो पूरा मैस ही हो रखा है भाई, एग्ज़ाम ने बहुत मान ली। चलो, एग्ज़ाम की बातें किसी और वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट पर अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे डाल देना मैसेज, नीचे कमेंट कर दो अप्लाई साइकोलॉजी, तो मैं बना दूँगा, और जो भी चीज़ है, जो भी क्वेरी है नीचे डाल देना, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्स करूँगा आपकी क्वेरीज पर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।